हमारी जो पहली मुलाकात हुई थी उस टाइम पे आप अपनी फिल्म इश्क पॉजिटिव का जो है प्रमोशन कर रहे थे और एज अ डायरेक्टर डेब्यू था आपका. सो शेयर द एक्सपीरियंस, कैसा एक्सपीरियंस एज अ डायरेक्टर एज अ लीड एक्ट्रेस? बहुत अच्छा था. लीड एक्ट्रेस तो मैं करती रहती थी पहले भी, लेकिन डायरेक्शन का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था. बहुत टफ भी था बिकॉज अनफॉर्चुनेटली हमारे मुल्क में अभी भी, क्योंकि फिल्म के लोग ज़रा कम हैं, जो फिल्म इंडस्ट्री के लोग थे वो पुराने हो गए और वो अब हैं नहीं, कुछ रहे नहीं. तो मुझे जो मेरा जो क्रू था वो बिल्कुल न्यू था, उनको मुझे सब कुछ खुद बताना पड़ता था ए टू जेड. मतलब अगर मेकअप से लेकर, थैंक गॉड मेरे डी ओ पी बहुत अच्छे थे, शिराजी बहुत अच्छे हैं, वो बड़ा अच्छा उन्होंने काम किया. लेकिन जो असिस्टेंट डायरेक्टर से लेके वार्डरोब, मेकअप, सेट डिज़ाइनिंग, एवरीथिंग आई वॉज लुकिंग अप फॉर दैट. मतलब हर चीज़ को मैं ध्यान रख रही थी और मैं भाग रही होती थी सेट के ऊपर भी. तो मेरे लिए ओवरऑल बहुत ज़्यादा काम था. मुझे लगा कि शूट हो जाएगी तो ख़त्म हो जाएगी फिल्म, सुकून हो जाएगा. लेकिन फिर शूट के बाद एक और प्रोसेस शुरू होता है, वो है एडिटिंग, बैकग्राउंड स्कोर एंड फिर कलर ग्रेडिंग एंड ऑल दैट. सो आई हैड एक्सपीरियंस्ड ऑल दैट और बड़ी मेहनत की. बहुत मेहनत के बाद फिर फिल्म मार्केटिंग अब एक नई चीज़ है. बिकॉज जब हम लोग, हमारी फिल्म 2000 में जब मैंने पहली फिल्म की थी तब मार्केटिंग का इतना टेंशन नहीं थी, बिकॉज फिल्म इंडस्ट्री वॉज ऑन द बूम एंड सब चीज़ें बहुत आसानी से हो जाती थी. तो फिर ये सारा प्रोसेस करके मुझे लगता है कि मैंने बड़ी मेहनत की और अब मुझे बहुत कुछ सीख लिया मैंने इस चक्कर में. सो बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस था और इसीलिए अब मुझे, मैं ज़्यादा फोकस कर रही हूँ कि मैं डायरेक्ट करूँ रादर देन एक्टिंग. ओके, अच्छा नूर, हम पीछे अगर जाके देखते हैं तो हमें वो जो बच्ची सी नूर है जिसने दो तीन अपने एज ए चाइल्ड आर्टिस्ट फिल्में की हैं और उसके बाद फिर शिफ्ट होता है एज ए मेन लीडिंग एक्ट्रेस के तौर पे, सो वो ट्रांजिशन पीरियड कैसा था? मतलब वी ऑल नो कि वो बड़ा स्मूथ हुआ जस्ट बिकॉज ऑफ फादर, लेकिन माशाल्लाह इसके ना अदर देन दैट बहुत सारे और एलिमेंट होते हैं. आपको ऐसा चाइल्ड आर्टिस्ट लोगों ने देखा होता है, एक्सेप्टेंस होगी कि नहीं होगी, बहुत सारा प्रेशर होता है, तो उसका क्या है? क्योंकि बचपन से शौक ही यही था कि मैंने फिल्म एक्ट्रेस बनना है. बचपन में जब फिल्में की और जैसे ही मैं बड़ी हो रही थी, एक तो मैं अपनी क्लास में भी टॉल थी और जैसे ही बड़ी हो रही थी तो पापा के सारे दोस्त थे, सब लोगों को पता था कि शी इज़ इन द इंडस्ट्री एंड शी इज़ ग्रोइंग अप एंड आई गॉट ऑफर. पहला मैंने शूट कराया और मुझे ऑफर होगी, तो मेरे लिए बड़ी चीज़ें आसानी से हो गई बिकॉज ऑफ माई फादर. लेकिन जो मुश्किल मुझे अब लगता है, तब तो नहीं लगता था, वो ये था कि वो उस काम के चक्कर में, वो जो टीनेजर का टाइम था जिसमें शायद मुझे कॉलेज में होना चाहिए था और मुझे वो अपनी वो मस्तियाँ करनी चाहिए थी या वो जो एक मजाक होता है, एक ग्रुप्स होते हैं आपके फ्रेंड्स के, तो वो मेरा सारा सेट्स के ऊपर गुजरा, कामों के ऊपर गुजरा. तो आई मिस दैट पार्ट क्योंकि मैं, मेरी आई थिंक 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 फर्स्ट तक की जो बर्थडे वो सेट्स के ऊपर होती थी. तो मेरा काम ही मेरा दोस्त था, मेरे अब्बू मेरे दोस्त होते थे और कोई फिल्म इंडस्ट्री के दोस्त नहीं होते. सो मुझे लगता है वो पार्ट मिस किया. लेकिन ट्रांजेक्शन जो थी बचपन से, वो कहाँ, वो जो टीनेजर किधर गया वो मुझे समझ नहीं आई. मुझे अब जाके लगता है दैट आई मिस दैट टाइम, कि शायद मुझे वो उस टाइम पे थोड़ा करना चाहिए था. तो मुझे अपनी एज से ज़्यादा, मुझे लगता है मैं 50 हूँ अब. लेकिन एक बात अच्छी थी उस वक्त की, जो मैं अपनी बहन को भी अभी कहती हूँ, कि उस वक्त आपको पता था कि आपका दुश्मन दुश्मन है और आपका दोस्त दोस्त है. अब जो एरा चल रहा है, या अब मैं कहूँगी जो नई जनरेशन है, मैं जब देखती हूँ तो वो सब आपके दोस्त हैं लेकिन असल में वो आपके दुश्मन होते हैं. तो इट्स वेरी डिफ़िकल्ट. हमें पता था कि अच्छा जी, मीरा से नहीं बनती, रीमा से नहीं बनती तो नहीं बनती, रेशम अगर नहीं बन रही, नहीं बात करे तो हम नहीं बात कर रहे. लेकिन अब ये है कि सब दोस्त हैं और वो आपको काट भी रहे हैं तो आपको पता नहीं कि कौन दुश्मन है. सो आई थिंक दैट पार्ट, दैट एरा वाज स्टिल बेटर देन दिस वन. अच्छा, अभी आपने बात की कि फिल्म की प्रमोशन का सिलसिला एक नया स्टार्ट हुआ है, यू आर वेरी मच राइट, पहले नहीं होता था और ये नया ट्रेंड है जो कि दो तीन साल से हम कैसे हैं ज़्यादा तेज़ हो रहा है. सो व्हाट डू यू थिंक, क्या लगता है कि अगर फिल्म का कंटेंट ना हो और प्रमोशन अच्छी हो तो क्या फिल्म कामयाब हो जाएगी? क्योंकि आजकल यही सिलसिला कुछ चल रहा है. अच्छा, अब मुझे लगता है कंटेंट तो बड़ा इंपॉर्टेंट है, लेकिन अब बिकॉज चैनल्स ने टेक ओवर कर लिया प्रोडक्शंस में, तो अब आई थिंक इट डिपेंड्स ऑन चैनल. अब चीज़ें हिट जो है ना, वो ऑडियंस नहीं कराती, वो चैनल या फिर वो जो एक प्रोड्यूसर्स हैं वो कराते हैं. इफ़ दे वांट टू मेक अ स्टार, किसी को स्टार बनाना है, सपोज आपको स्टार बनाना है, तो वो एक बड़ा आदमी चैनल का हेड डिसाइड करता है दैट शी इज़ और ही इज़ गोइंग टू बिकम अ स्टार. लाइक वी हैव फ्यू स्टार्स राइट नाउ हु बिकेम स्टार्स बिकॉज ऑफ टेलीविजन ड्रामा से वो बड़े बनते बिकॉज दे एक सर्टन लोग हैं जो डिसाइड करते हैं कि इनको स्टार बनाना है और इनको निगलेक्ट कर देना है. तो वो मार्केटिंग हो या नहीं हो, फ्लॉप भी फिल्म हो, फिल्म डब्बा भी हो, तो वो फिल्म लिखा जाता है ब्लॉग्स में कि वो फिल्म हिट है. सो आई डोंट अग्री विद दिस के कॉन्टेंट या वो, इस वक्त मेरा ख्याल में इट्स ऑल अबाउट कॉन्टैक्ट्स. If you have contacts, if you have the right people, you know the right people, then your film will be a hit. Otherwise, blogs mein, papers mein, har jagah aapki film flop hogi.
Oh, that's pretty much honest opinion. That's thank you for that. अच्छा मुझे ये बताओ नूर, जब मैं मतलब सोचती हूँ, हम देखती हूँ कि एक यंग लड़की जिसको शौक है फिल्म में काम करने का, वो काम करती है, उसने एक्टिंग की, उसने रैंप पे वॉक किया, उसने मॉर्निंग शो होस्ट किया, उसने फाइनली जो है फिल्म डायरेक्ट भी की. अगर कहा जाए कि इन तमाम रोल्स में से कोई एक चूज करना है और उस पर कंटिन्यूस करना है, क्या करना चाहोगे? एक्टिंग फॉर श्योर, बिकॉज बचपन से शौक ही वही है. बिकॉज जब एंड स्पेशली वो ड्रामास मुझे इतना करने का शौक नहीं है, लेकिन एक्टिंग फॉर फिल्म्स मूवी वो होता ना कि ब्लड में है एक्टिंग. तो जब मैं एक्टिंग कर रही होती हूँ या डांस कर रही होती हूँ तो मुझे एक 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 अजीब सा हाई मिलता है, इतना खुशी होती है मुझे कि वो मेरा अंदर का आर्टिस्ट शायद जो है वो इतना खुश होता है उस टाइम पे, जो मुझे और चीज़ों से करने से नहीं होता. डायरेक्शन में भी आने का मकसद ये था. अब मैं जब डायरेक्ट करती हूँ, जब मैं लोगों को बता रही होती हूँ, मैं एक्ट करके बताती हूँ. अगर कोई कैरेक्टर को कर रहा है तो मैंने जितनी फिल्म में रोल भी थे, अभी मैंने इस वीडियो भी की, तो मैं सबको बताती हूँ कि इस तरह करो, ये एक्सप्रेशन मुझे ऐसे चाहिए. तो वो मेरा अंदर का एक्टर बोल रहा होता है एक्चुअली. तो वो उसका मकसद भी यही है कि चलो एक्टिंग में शायद मैं वो कुछ नहीं कर सकी जो मैं करना चाहती थी, मुझे वो ऐसे कैरेक्टर्स नहीं मिले, तो अब डायरेक्टर बन के अब मैं वो अपनी जो जो कैरेक्टर्स करना चाहती हूँ वो लोगों को कराऊंगी इंशाल्लाह. ओके, दैट्स लवली. अच्छा अभी आजकल जो फिल्में बन रही है उसमें हार्डली कोई फिल्म ऐसे में देखने का मौका मिलेगा जो फीमेल ओरिएंटेड फिल्म हो, हालांकि ख्वातीन की बहुत कहानी है बताने के लिए. सो एज अ फीमेल डायरेक्टर, आपके ख्याल में अगर आपको मौका दिया जाता है कुछ कहानी खातून की बताने का, व्हाट स्टोरी वुड यू लाइक टू टेल? वेल आई वुड, वैसे मैं एक काम भी कर रही हूँ एक स्टोरी के ऊपर, लेकिन होता क्या है कि फिल्म हमेशा हीरो के साथ होती है, बिकॉज फिल्म ऑडियंस आपकी मेजरली लड़के जाके देखते हैं, और यू नो जैसे आप सुपर हीरो सुपर पावर, जैसे अगर हम अभी उससे इंटरव्यू से पहले बाहुबली की भी बात कर रहे थे तो वो हीरो है उसमें. लेकिन अगर आप देखें तो बाहुबली नाम है लेकिन उसमें दो स्ट्रॉन्ग वेमेन कैरेक्टर्स थे, एक माँ और एक उसकी बीवी. सो मेरा ख्याल में आपको मेन आपको रखना पड़ता है टू अट्रैक्ट वो एक यूथ वगैरह की आप वो है, लेकिन औरतों के लिए आप बनानी है. औरतों के लिए ड्रामे इतने सारे बन रहे हैं. अगर मैं औरत के ऊपर फिल्म बनाना चाहूँगी तो मैं बहुत ज़रूरी चाहूँगी स्पेशली जो कि मुझे लगता है कि बहुत ज़रूर है हमें हाईलाइट, ज़रूरी है हाईलाइट करना, डोमेस्टिक वायलेंस के ऊपर फिल्म बनानी चाहूँगी. बिकॉज बहुत सारी ख़वातीन हैं मैं जानती हूँ, और जिसमें शायद उसमें वन ऑफ I can be the victim or I was a victim as well, कि वो mental और physical abuse से गुजरती हैं और वो society की वजह से या शायद वो इतना stress में होती है, इतना pressure होता है कि वो आवाज़ नहीं उठाती. तो इसको रोकने की बहुत ज़रूरत है. उसके ऊपर मैं really film बनाना चाहती हूँ. मैं बताना चाहती हूँ लोगों को कि बेचारी एक normal लड़की जिसको आप देख रहे हैं वो हंसती खेलती है, और अगर वो घर जाती है और उसके साथ क्या सलूक होता है जब शादी हो जाती है, और वो आप mental illness जो जो उसके हस्बैंड की है या वो एक बच्चे की है जो माँ बाप ने शायद क्योर नहीं की बचपन से, उसको एक औरत को भुगतना पड़ता है. तो उसके ऊपर मैं बहुत ज़रूरी फिल्म बनाना चाहती हूँ. बिल्कुल सही, बिल्कुल सही कहे. और बहुत सारी कहानियाँ ऐसी होती हैं जो हमारे इर्द गिर्द हमारे अपनों के पास हम देख रहे होते हैं, एंड आई गेस आपके पास वो मीडियम है जिसमें आप लोगों को बता सकते हो. बहुत ज़रूरी है ये बताना और सिखाना. बिकॉज देखिए हम अपनी बच्चियों को सिखाते हैं, जैसे मुझे भी बचपन से माँ बाप ने तरबियत दी, ठीक है जी आपने शादी करनी है, आपने रहना है, आपने ये करना है, वो करना है, लेकिन हमें अपने बेटों को भी सिखाने की बहुत ज़रूरत है कि यार आपको भी सीखना है कि आपको औरत की इज्जत कैसे करनी है. और औरत की इज्जत वही करेगा जो अपनी माँ की इज्जत भी करता होगा. तो ये माँ की बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है. सो मैं एक ऐसी फिल्म ज़रूर बनाना चाहती हूँ जिसमें एक मैसेज दूँ, जिसमें आप अपनी जहाँ आप कॉन्सेंट्रेट करते हैं अपनी बेटियों को बताने की कि दूसरे घर जाना है, खाना पकाना आना चाहिए, ये आना चाहिए, वहाँ लड़कों की भी मतलब एजुकेशन पे जोर दें, परवरिश पे जोर दें. उस वक्त उसको बताएं कि यार ये औरत है, इसको ऐसे देखना है, उसकी ऐसे इज्जत करनी है, इसको ऐसे मोहब्बत करनी है. बिकॉज देखिए हमारा मज़हब भी हमें ये सिखाता है. अच्छा अभी आपने जो है वो अब्यूज़ का जिक्र किया, उस वायलेंस का जिक्र किया जो कि मेजॉरिटी ख़वातीन हम अपने अपने घरों में बर्दाश्त कर रही होती हैं, कुछ इज़्ज़त की खातिर, कुछ उस बात की नॉलेज ना होने की वजह से जो है वो आप उसके ख़िलाफ़ आवाज़ नहीं उठाते हो क्योंकि आपको अंदाज़ा नहीं होता. सो इफ़ आई मे आस्क यू, लाइफ में वाई हैव यू ऑलवेज बीन फॉर द इन द न्यूज़ फॉर द रॉन्ग रीजन्स? अपनी ज़ाती लाइफ की वजह से कहाँ गलती हो जाती है? तो मुझे लगता है कि मैंने भी बहुत अरसा इसी वजह से बहुत सारी चीज़ें सही कि दुनिया क्या कहेगी, माशरा फिर से एक मुझे गलत कहेगा, और मुझे हमेशा सब ने गलत समझा. किसी ने ये सोचा नहीं कि वाई आई वॉज गेटिंग मैरिड अगैन एंड अगैन. आई वॉज गेटिंग मैरिड मतलब मैं शादी करी थी. मुझे बड़ा बुरा लगता है, शायद मैं ब्लंट बात करूँ, शायद लोगों को बुरा भी लगे कि अगर आप मुझे अक्सर लोगों ने कहा कि तुमने शादियाँ इतनी क्यों की, मतलब इफ़ आई हैड अगर रॉन्ग रिलेशनशिप, इफ़ आई हैड अ बॉयफ्रेंड, आई हैड फोर बॉयफ्रेंड, फाइव बॉयफ्रेंड, दैट वॉज ऑल राइट.
बिकॉज आई वॉज मैरिंग, मैं बार बार शादी इसलिए कर रही थी बिकॉज मैं एक सही तरीका अपना रही थी, एक हलाल तरीका अपना रही थी, और मैं कोशिश ये कर रही थी कि मेरा घर बस जाए. बिकॉज वो एक जो था ना कि जी ये एक्ट्रेस है तो एक्ट्रेसें तो ऐसी ही होती हैं, उससे मैं निकलना चाह रही थी. बट अनफॉर्चुनेटली कुछ रिश्तों में कहीं पर मेंटल अब्यूज़ था, कहीं पर फिजिकल अब्यूज़ था, कहीं पे चीटिंग इतनी ज़्यादा एक्सटेंड कर गई थी कि वो बर्दाश्त ही नहीं हो रही थी. मुझसे नहीं झूठ दिया जाता. मैं जैसे आपको इतना डायरेक्ट बात कर रही हूँ, आपको इससे अंदाज़ा हो जाएगा कि मैं बहुत, आई एम वेरी ऑनेस्ट. आई कांट लिव अ लाइ. इफ़ आई डोंट लाइक यू, आई डोंट लाइक यू. आई टेल यू ऑन योर फेस, यार मुझे नहीं पसंद हो, मैं नहीं मिल सकती या मैं मिलूँगी नहीं आपसे. लेकिन मैं झूठी ज़िंदगी नहीं जी सकती कि हाँ ठीक है मुझे घर ले दो, मुझे गाड़ी ले दो, मैं शॉपिंग पर चली जाऊँगी, फाइन इफ़ ही इज़ गोइंग आउट विद समबडी एल्स. नो, इफ़ यू मैरिंग टू मी, तुमने अल्लाह के आगे एक वादा किया है कि तुम मेरा ख्याल रखोगे, ना तुम मुझे मारोगे, ना तुम मुझे चीट करोगे, तुम मेरे हकूक़ पूरे करोगे जिसमें फाइनेंशियल भी है. इफ़ आई एम गोइंग टू मेक मनी, मुझे खुद ही काम करना है, मुझे मार भी खानी है, मुझे गालियाँ भी खानी है, और तो फिर नहीं यार, आई वुड रादर लिव अलोन लाइक अ मैन एंड जस्ट लीव द पर्सन. प्लस आपको रियल पिक्चर नहीं पता भाई, आप जिसको अच्छा समझ रहे हैं वो पता नहीं क्या था मेरे लिए, मेरे साथ कितनी तकलीफ होगी कि मैं इतनी ट्रॉमा से गुजर रही हूँ. बट समहाउ एनीवेज आई विश हुएवर केम इन माय लाइफ एंड वेंट, उन्होंने मुझे कुछ सबक सिखाया, अल्लाह ताला ने मुझे ये दिखाना था और मुझे कुछ सिखा के गया. आई विश देम ऑल द बेस्ट. दैट्स अ गुड थिंग, दैट्स अ वेरी गुड. कमिंग बैक टू योर काम के उसके ऊपर, लाइफ के ज़ाती एक्सपीरियंस अपनी जगह, लेकिन एज अ खातून एक्ट्रेस एंड डायरेक्टर, आपके ख्याल में इंडस्ट्री में टफेस्ट चीज़ क्या है? क्योंकि इट्स अ मैंस, मतलब आदमियों की इंडस्ट्री है ना, तो हीरो के नाम पर फिल्म चलती है. मोस्टली डायरेक्टर हमारे जो हैं वो मैन हैं, मेल हैं, और ख़वातीन जो हैं वो भी काम कर रही हैं, लेकिन उनको ना मर्दाना और काम करना पड़ता है. Really tough. So, as an actress and a director, क्या लगता है कि मुश्किल क्या? First, मुझे लगता है कि merit पे काम मिलना. मुझे लगता है सबसे ज़्यादा tough part वो है कि आपको merit पे काम मिले. मैं बड़ी स्ट्रॉन्ग बिलीवर हूँ. आई हैव बीन वेरी वेरी लकी अल्हम्दुलिल्लाह. मेरे माँ बाप की दुआ है शायद. आता तो मुझे कुछ भी नहीं है. मैं मुझे समझ भी नहीं आती मैं कैसा बोलना शुरू होती हूँ और मॉर्निंग शो हो जाता है. आई वॉज नेवर अ होस्ट, नेवर वॉज इंटरेस्टेड इन होस्टिंग. सुल्तानापा ने मुझे कहा और मुझे कहा कि तुम कर सकती हो, और मैंने कहा लाइव होस्ट 2 घंटे कैसे करूँगी. बट आई डिड इट, और मैं बहुत लकी रही हूँ कि मुझे मेरिट पर काम मिल जाता है. अल्लाह ताला ने एक रिस्क कोई तो है बात जो बात अब तक बनी हुई है, उनका एक सहारा है. वरना ये बहुत मुश्किल इंडस्ट्री है. ये क्या पाकिस्तान में हर फील्ड औरत के लिए बड़ी मुश्किल है. मेरी टीचर थी, मुझे अभी भी बचपन में याद है, ट्यूशन पढ़ाने के लिए आती थी और वो बुरखे में आती थी. अच्छा. बुरखा उन्होंने किया होता था और वो बड़ी खूबसूरत थी वो, लेकिन नकाब करके आती थी. तो मैं उनसे पूछती थी, मैं कहती थी आप नकाब करके आती हैं? बस मैं आती थी. शी वॉज़ यंग सी लड़की थी वो, और शी वॉज़ नॉट वेरी रिच. तो वो जब आती थी मैं कहती थी आप बुरखा क्यों करती हैं, आपने ये क्यों बुरखा किया हुआ है? फिर वो मुझे कहती थी कि बस स्टेशन से लेकर हर जगह पे मैं, मुझे जिस तरह देखा जाता है बेटा मुझे करना पड़ता है ये बुरखा, अगर मैं नहीं करूँगी तो मेरे लिए बड़ी मुश्किल हो जाएगी. देन आई रियलाइज कि अच्छा. फिर मेरी 2-3 फ्रेंड्स डॉक्टर्स भी हैं, लॉयर्स भी हैं, बैंकर्स भी हैं. तो एक औरत, सबसे बड़ा एक औरत होना और काम करने के लिए बाहर निकलना इस मुल्क में बड़ा मुश्किल है. आपको फेस करनी पड़ती हैं गाड़ी से उतरते ही नज़रें लोगों की, चाहे आपको ऐसे ही देख रहे हैं. अभी मुझे किसी ने बताया था कि वो जो पास हो गया है वो जो वर्क प्लेस पर हरासमेंट, ठीक है जी, वो हरासमेंट. लेकिन हम कैसे किसी को केस कर सकते हैं? अगर मुझे कोई हरास करता है मैं उसके ऊपर केस करूँगी, वो उसने किसी और को फ़ोन करना है यार इसके ऊपर, इसको तो ना लेना काम, इसको काम दोगे ये तो केस कर देती है. तो वो बेचारी औरत नहीं बोल सकती चाहे वो ऑफिस में बोलती है. तो इस इंडस्ट्री में क्या, किसी भी इंडस्ट्री में औरत का इस मुल्क में अनफॉर्चुनेटली, पता नहीं कब ये चेंज होगा, लेकिन काम करना बड़ा मुश्किल है. बिकॉज इस मर्दों की सोसाइटी है, और हमारे मर्द माशाल्लाह ऐसे हैं कि वो हक समझते हैं आपको देखना और आपको कॉम्प्लीमेंट करना और ऐसी बात करना जिस पे आप अनकंफर्टेबल हो जाए. मुझे भी फेस करना पड़ता है अभी तक, लेकिन मैं बड़ी बदतमीज़ हूँ और सबको पता है आई हैव दिस एक्सप्रेशन ऑन माई फेस के डोंट यू डेयर इवन टॉक टू मी लाइक दैट. सो मैं बोल देती हूँ, लेकिन हर औरत को बड़ा मुश्किल फेस करना पड़ता है. बहुत मुश्किल. अच्छा, मुश्किल से मैं थोड़ा अगला सवाल पूछूँगी. नई फिल्में आ रही हैं और एक
लगातार जो है वो फ्लॉप चल रही है कुछ अरसे से, एक के बाद एक पैसा भी लगा हुआ है, लोगों की मेहनत है एंड पीपल आर ट्राइंग. और वो जो था जी दोबारा से फिल्में से आ गई हैं सिनेमा में, पाकिस्तानी लोग जो हैं फिल्में देख सकते हैं, उसको देख के लगता है कि काम कहीं कुछ गड़बड़ हो रही है. सो आपने काम भी किया हुआ है, आप अपने उस दौर में फिल्म इंडस्ट्री का हिस्सा रहे जो फिल्म इंडस्ट्री पीक पर थी और लोग जो हैं बाकायदा हमारे स्टार्स माने जाते थे, अभी भी लोग जानते हैं. अभी आजकल तो बहुत सारे लोग काम करें क्योंकि नाम भी नहीं पता होते, नहीं होते. सो व्हाट्स मिसिंग? एक तो एटीट्यूड स्टार्स ना स्टार्स, अच्छा कि दो डिफरेंट क्वेश्चन है ना, एक तो है कि फिल्में ऐसी क्यों हैं और एक स्टार्स क्यों नहीं बन रहे. तो सबसे पहले हम बात करते हैं स्टार्स क्यों नहीं बन रहे. स्टार्स बनने के लिए एटीट्यूड, एक तो आपका स्टार्स वाला वो एक पूरी एक रिजीम होती है, जैसे एक आर्मी का ऑफिसर रेडी होता है ना वैसे आप स्टार्स बनने के लिए रेडी होते हैं, जैसे मैंने भी ट्रेनिंग ली. तो और दूसरा ये कि अगर आप हर जगह नज़र आ रहे हैं ना तो आप स्टार्स नहीं हैं. माई फादर यूज़ टू से, जब जेबा जी मोहम्मद अली हुआ करते थे, मोहम्मद अली साहब हुआ करते थे, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, सबसे बड़े हमारे सबसे बड़े स्टार, और वहीद मुराद साहब होते थे, तो वो स्टार्स क्यों थे? क्योंकि वो नज़र नहीं आते थे लोगों को, वो सिर्फ फिल्म में नज़र आते थे. मतलब वो अबू कहते थे कि मतलब आप स्टार्स क्यों कहते हैं, क्योंकि स्टार्स दूर से आपको चमकते हुए नज़र आते हैं. अब क्या होता है, हर स्टार हर लॉन्च पर पहुँचा हुआ है, हर जगह पर पहुँचा हुआ है, तो वो स्टार नहीं बन रहे. प्लस वो टेलीविज़न के साथ साथ आपकी फ़िल्म चल रही है. अब फिल्म में क्यों नहीं, आपको मिसिंग क्या है? मेरे ख्याल में अगर मैं फिल्म को टेक्निकली देखूं तो टेक्निकली बड़ी अच्छी होती हैं फिल्में, एडिटिंग या स्क्रिप्ट थोड़ा सा वो लैक करता है. आर्टिस्ट की वजह से आपको ड्रामा लग रहा होता है, क्योंकि आप रात को आपने 7:30 बजे उनका ड्रामा देखा है और फिर आप 9 बजे के शो पे उनकी फिल्म देखने चले गए, तो आपको लगता है यार ये तो ड्रामा है फिल्म, लेकिन बना वो अच्छी फिल्में रहे हैं. मुझे बहुत सारी फिल्में बहुत अच्छी लगी, जैसे जवानी फिर नहीं आनी बहुत अच्छी है, उसमें कास्ट भी अच्छी थी. लेकिन जब तक हम या तो हम नए लड़के लड़कियाँ प्रोड्यूस करें, नए लोगों को स्टार्स बनाएं जैसे इंडियन करते हैं, नए बिल्कुल लें और उनको उनके ऊपर मेहनत करें. बच्चे मेहनत करना भी चाहें तो अलग बात है. और दूसरा ये कि जो फिल्म के लोग जो पुराने थे ना उनके साथ कलेबोरेशन कर लें. अच्छा। जैसे हम मैं अगर चाहूँगी या नेक्स्ट फिल्म बनाऊँ तो हसन अस्करी साहब बहुत बड़ा नाम है हमारी इंडस्ट्री का. आई वुड रियली लाइक कि मैं उनको कहूँ, रिक्वेस्ट करूँ, सर जस्ट कम ऑन द सेट एंड सिट विद मी एंड जस्ट टेल मी कि मैं कहाँ गलत कर रही हूँ कहाँ सही कर रही हूँ. इसी तरह फिल्म इंडस्ट्री का आप एक सीनियर एडिटर पकड़ लें नए बच्चे के साथ, क्योंकि वो लैपटॉप पे कंप्यूटर पे एडिटिंग हो रही है, नए बच्चे के साथ उसको बिठा दें. फिल्म की पेस एक और है और ड्रामे की और है. फिल्म की पेस एडिटिंग में सारी फिल्म बनती है. सो जब ये हम कर लेंगे ना, अगर ये कोलैबोरेशन कर लें, जो कि बेसिकली है कि रिस्पेक्ट करना, और वो सीनियर भी इतने हो जाएंगे हाँ भाई आई एम रेडी टू हेल्प यू. हमारा मसला ये इंडस्ट्री क्यों बंद हुई, क्योंकि हमारे सीनियर्स ने दिया ही नहीं आगे, सिखाया नहीं. सीखना चाहते थे बहुत सारे, डीओपी सीखना चाहते थे बहुत सारे, डायरेक्टर्स बनना चाहते थे, मैं सीखना चाहती थी. मैंने बड़ी दफ़ा सैयद नूर साहब को कहा कि नूर साहब मुझे आप जब फिल्म बनाए मुझे बता दें प्लीज़, मैं सेट पे वैसे ही आ जाऊँगी. बट नहीं बुलाया. सब सिखाना नहीं चाहते. इनसिक्योरिटी फील करते हैं? आई डोंट नो, ये तो उनसे ही पूछना चाहिए कि वो क्या फील करते हैं या नहीं. क्योंकि अभी अभी बड़ा मजे का गैप है, अगर हम एज एन बाहर से देखते हैं बड़ा क्लियर दिखाई देता है कि सीनियर्स अपनी जगह हैं रुके हुए और जूनियर जो नए आने वाले अपनी जगह अपने आप को समझ रहे हैं, दरमियान में ब्रिज नहीं, वो ब्रिज नहीं, मोहब्बत नहीं है ना वो एक. जब तक हम ये एक्सेप्ट नहीं करेंगे ना कि भाई जो मैं हूँ वो मैं हूँ और जो आप हैं वो आप हैं, आपका आपसे मैं नहीं छीन सकती हूँ, मेरा नहीं. अगर हम मिलके काम करेंगे, वाई इंडियन इंडस्ट्री इज प्रोग्रेसिंग लाइक एनीथिंग, बिकॉज वो लोग बहुत मिलके काम करते हैं. मतलब शायद अगर शाहरुख पे आमिर खान में कोई प्रॉब्लम भी है, लेकिन अगले एक दूसरे की लॉन्च पे भी पहुँचे होते हैं. यहाँ पे हमारा इशू ये है कि मेरी फिल्म है तो मैं जाऊँगी, वरना मैं नहीं जाऊँगी, मैं क्यों प्रमोट करूँ? फिर दूसरा बंदा हेल्प नहीं कर रहा. प्लस आप थोड़ा साथ रखें, जो सीनियर लोग हैं ना उनसे सीखते ही हैं आप, उस्तादों से आप सीखते ही हैं, चाहे वो आपसे रूड भी हो, थोड़ी डांट ही सीख लें. मैंने तो जो भी सीखा अपने उस्तादों से सीखा. सो दैट्स व्हाट इट इज. अच्छा, जब अगर कोई पूछे कि नूर माशाल्लाह इतने अच्छे से फिल्म में हो और इसके ना ओढ़ना बिछोड़ना सब चीज़ें इन एंड आउट मालूम है और अभी तक रेलिवेंट हो फील्ड से, दैट्स बेस्ट पार्ट माशाल्लाह, ठीक है, सो क्या कहना चाहोगे, क्या वो चीज़ है जिसको के जहन में रखना चाहिए नए आने वालों को, इफ़ दे वांट टू बी रेलेवेंट, इफ़ दे वांट टू वर्क इन द इंडस्ट्री एंड मेक देयर नेम, क्या वो एक एलिमेंट? अच्छा, एलिमेंट वैसे दो तीन हैं जो मेरे अब्बू ने मुझे सिखाई थी, जो मैंने पल्ले से मान लिया, शायद मेरी सक्सेस का या फिर जो अभी तक मैं लोग बर्दाश्त कर लेते हैं या मैं चल रही हूँ समहाउ, वो कछुए की चाल है वो चल रही हूँ, वो ये है कि एक तो वक्त का बहुत ख्याल रखें, बी पंचुअल. जो किसी ने टाइम दिया है, शूटिंग का टाइम है, बी देयर, अपनी ड्यूटी दें, अपनी जाके जॉब करें, जस्ट टेक इट एज ऐसे ही करें जैसे इबादत है आपका काम. दूसरा ये है कि अपना अखलाक बहुत अच्छा रखें हर किसी के साथ, चाहे वो स्पॉट बॉय है चाहे वो आपका प्रोड्यूसर है, एक जैसा रखें, मतलब सबके साथ स्वीट रहें, दैट गोज़ अ लॉन्ग वे.
تیسرا یہ کہ شہرت اور پیسہ اور یہ جو حسن ہے اس کو دماغ پہ نہ چڑھنے میں. یہ کچھ عرصے کے لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا کی ہیں جو آپ سے چھین لی جائیں گی, سو اس چیز پہ آپ غرور نہیں کر سکتے. تو جس چیز جو چیز آپ کی اپنی نہیں ہے اس پہ غرور کیا کرنا ہے, یہ مت کریں. اپنے سینئرس کی عزت کریں اور اپنے ماں باپ سے جتنا سیکھ سکتے ہیں. وہ جو بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں نا ماں باپ, مجھے اب اتنی ریلائز ہوتی ہیں چیزیں, ابو بول رہے ہوتے تھے, کیسٹ چل رہی ہوتی ہے اور آپ سن ہی رہے ہوتے اپنے اپنے کام کر رہے ہیں. ہم رسپیکٹ یور پیرنٹس, ٹائم کا خیال رکھیں, بڑوں کی عزت کریں. یو ول کوئی نہیں لا سکے گا آپ کو, کوئی نہیں لا سکے گا. اف یو گیٹ اندر چانس ٹو ٹاک ٹو یور ڈیڈ, کیا کہنا چاہو گے؟ اوہ یہ تو آپ نے میرا نا وہ نوٹ چھیڑ لیا زخموں پہ نمک. اوف ابھی مت جائیں, یہ کہوں گی ان کو کہ پلیز آئی جسٹ وانٹ یو فار اے لٹل وائل ود می, آئی وش یو کوڈ. شاید وہ تھوڑا سا میں شاید تب بھی یہ ہوا, بٹ وین مائی فادر واز الائیو کہ مجھے اتنی جلدی تھی شادی کی اور میں نے کہا شادی کر لوں, اور میں آئی وینٹ ٹو دبئی اینڈ آئی واز دیئر فار سکس ایئرس, سو آئی کوڈنٹ اسپینڈ لاٹ آف ٹائم ود ہم. اور میرے پاس ان کی ڈائریز ہیں جو لکھتے تھے, تو اس میں وہ انہوں نے میرے لیے اتنا کچھ لکھا ہوا ہے. سو میں ان سے کہنا کیا چاہوں گی, ریئلی وانٹ ٹو ہگ ہم اینڈ کرائی مائی ہارٹ آؤٹ کہ آپ مجھے کس دنیا میں اکیلا چھوڑ گئے یار, کہاں چھوڑ گئے مجھے اکیلا, میرے سے نہیں ہوتا. بس آئی وانٹ ٹو ڈو دیٹ, بٹ آئی نو دیٹ ہی از دیر, ہی از ان می, ہی از ان فاطمہ, آئی سی ہم ان فاطمہ. فاطمہ کبھی کبھی میری بیٹی ایسی ایسی باتیں کر جاتی ہے جو مجھے لگتا ہے جیسے یہ نہیں ابو بول رہے ہیں, سو ہی از آلویز دیر. سو پلیز آپ لوگ اپنے ماں باپ کا بہت خیال رکھیں, ان سے بہت پیار کریں, کیونکہ جب یہ چلے جائیں گے تو بلیو میں آپ ایسے ہی رو رہے ہوں گے جیسے میں رو رہی ہوں بیٹھ کے. تھینک یو سو مچ, اٹ واز پلیجر ٹاکنگ ٹو یو, اور آپ کے ٹائم کا بہت بہت شکریہ. اینڈ آئی ایم شیور کہ آپ لوگوں نے بہت انجوائے کیا ہوگا. یہ ہے نور بخاری ہمارے ساتھ, آپ سن رہے تھے میرے ساتھ ڈی جے شاہپارہ کے ساتھ سی سی کتابوں سے. اینڈ آئی ایم شیور کہ آپ نے انجوائے کیا ہوگا. اپنے کمنٹس جو ہیں وہ کمنٹ باکس میں لکھیے, بتائیے آپ کو کیسا لگا, آپ کا فیڈ بیک کا میں انتظار رہے گا. اسی کے ساتھ لیں گے اجازت, اللہ حافظ.